स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल। और आज की जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन की क्लास है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। आपको यदि ये प्रैक्टिस सेट पीडीएफ में चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो प्रैक्टिस सेट है, जो हम अलग अलग बुक्स से और अलग अलग जो क्वेश्चंस पेपर से उनसे मिलाकर बनाते हैं हम आपके लिए, उन स्पेशल क्वेश्चंस के जो सेट उनकी पीडीएफ फाइल आपको मिल सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के प्रैक्टिस सेट में मैं फिर आपके लिए लाया हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की चाहे प्रिपरेशन कर रहे हो। तो देखिये फर्स्ट क्वेश्चन है, से ए प्लस 10a = 2 है तो साइन ए की वैल्यू निकालिए। कल ही मैंने जो है इस तरीके का जो बताया था एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ में, देखिए उसके लिए ताकि साइन से ए प्लस 10a मुझे दिया हुआ है एक्स, तो से ए की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। वैसे ही 10 एक्स की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। ठीक है, मैं यहां साइन से बात करता हूं। देखिए 10 जो है 10x 10a उसको मैं ये लिख सकता हूं, तो मुझे साइन a की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं यहां से आपको बना कर दे देता हूं। तो देखिए 10 लंब का आधार होता है, लंब का मान एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसकी वैल्यू 2x है। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब देखो मैं इसकी वैल्यू किस तरह निकालूंगा। तो इसकी वैल्यू आप चाहो तो आराम से भी निकाल सकते हो। हम यहां पे देख सकते हैं सेक है, सेक कोस का उल्टा होता है, और सेक होता है कोस का उल्टा होता है, मतलब 1/cos, और 1/cos की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। तो देखिए एक वैल्यू है, एक वैल्यू है, तो इसका मतलब नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1। सीधी सी बात है, कोस से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मुझे साइन की वैल्यू चाहिए, तो साइन ए इक्वल्स टू हो जाएगा, साइन ए इक्वल्स होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब ये रहा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कर्ण ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए एक्स की वैल्यू मुझे दे रखी है 2, तो यहाँ लिखूंगा मैं 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1। यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3 बच गया है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 एड किया है तो 5 आ गया है, और 3 में 5 का डिवाइड करते हैं तो 0.6 आता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से मैं साइन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आप यदि इसको लेंथी करना चाहेंगे तो जो है आपका टाइम कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। लंबाई में वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई, मतलब त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा डिवाइड बाय 180। ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला है। ये जो चाप है त्रिज्या के बराबर है, मतलब इसका मान भी आर है, तो आर से मैं आर कैंसिल कर देता हूं, तो थीटा की वैल्यू कितनी हुई 180 डिवाइड बाय पाई। ये एक रेडियन की वैल्यू है, इसका मतलब जो आपका कोण बनने वाला है वो कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 1 रेडियन की डेफिनेशन है। एसएससी के एग्जाम में इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए sec थीटा प्लस इक्वल्स टू एक्स बराबर बी tan थीटा इक्वल्स टू वाई हो तो एक्स वाई ए बी में हमें संबंध बताना है। ये a, ये x है, ये b है, ये y है, इनमें मुझे संबंध बताना है। इससे पहले देखिए मैं आपसे एक बात पे डिस्कस करना चाहूंगा कि हम जो है टारगेट लेके चल रहे हैं 100 व्यूज का, और अभी ये टारगेट हम पूरा कर नहीं पा रहे, तो स्टूडेंट्स हमें ये टारगेट पूरा करना है, इसके लिए मेरी हेल्प आप करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये जो फ्री कोचिंग है इसका फायदा उठा सके। अभी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो बार बार अलग अलग कोचिंग में जाके वो पैसा वेस्ट करेंगे, इससे बढ़िया आप उन्हें हमारे कृष्णा क्लासेस चैनल पे आप जोड़ सकते हैं, ताकि जो कॉम्पिटिटिव मैथ है उसका जो फ्री कोचिंग चल रहा है, ये जो प्रैक्टिस सेट मिले इन पर उन्हें फायदा हो, इन प्रैक्टिस सेट से वो पढ़ सके। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टारगेट पूरा करने में मदद कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक भी आप हमारे जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं। हमें एक्स वाई ए बी में रिलेशन लाना है, तो देखो मैं यहां से sec थीटा की वैल्यू निकालता हूं x अपॉन a, और देखिए tan थीटा की वैल्यू निकालता हूं y अपॉन b, और मैं यहां लिख देता हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमारे बीच में जो भी फॉर्मूला है हमारे पास, इन दोनों का रिलेशन यही होता है। ठीक है, अब देखिए sec का मान यह है
स्क्वायर करना है तो मैं यहां लिखूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसी तरीके से टेन की वैल्यू रखनी है, टेन की वैल्यू होती है वाई अपॉन बी, तो मैं इसका भी स्क्वायर कर दूंगा, तो ये देखा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा वन। मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, ये बच गया, इसको मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, ये बच गया, इसको मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ गई है एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये इनके बीच का रिलेशन आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम पूछे जा सकते हैं, इनमें कोई ट्रिक नहीं लगती, बस आपने कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, इन दोनों का ऐड है तो मैं यहां से साइन एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं। प्रीवियस क्लास में भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, मैं इसको लिख देता हूं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये पक्षांतरण होकर इधर आ गया, तो देखिए साइन एक्स की वैल्यू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कल ही बताया था कोस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अब इधर देखिए इसको तो रहने लेता हूं मैं कोस एक्स, और इसके दो टुकड़े कर लेता हूं कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए कोस स्क्वायर एक्स ऐसे रहने लेता हूं, कोस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स, तो मैं यहां लिख देता हूं साइन एक्स, और इसकी जगह भी मैं लिख देता हूं साइन एक्स, इन दोनों की जगह मैं साइन एक्स लिख देता हूं। ठीक है, तो देखिए कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है साइन स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है वन, तो हमारे पास इस सबकी वैल्यू क्या होने वाली वन हो जाएगा। ठीक है, इजी सवाल है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं। आप यदि बार बार तैयारी करोगे, ढंग से प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस सेट फॉलो करोगे, तो मैं कह रहा हूं कि जब यदि आपके पढ़ाई जो आपके जहन में आ जाएगी, आप जो ये सोच के रखते हैं कि मैथ आने वाली नहीं है, यदि आपके मन में इस तरीके का कोई भी ख्याल है तो इसे बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि एक टारगेट होने पर, जब हमारे पास एक टारगेट होता है तो लोग उस टारगेट के पीछे यदि जी जान से जुट जाए तो टारगेट हमेशा पूरा होता है। तो आप यदि प्रैक्टिस करोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि यदि आपको मैथ नहीं भी आती है और जैसा मैं कह रहा हूं वैसे पढ़ते जा रहे हो तो आपको जो है मैथ अच्छे से आने लग जाएगी, ये जो मैथ का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। उसके लिए आपको जैसा मैं कह रहा हूं वैसा चलना ही पड़ेगा, आपको वैसे पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एबीसीडी एक आयत है, तो मैं एक आयत ले लेता हूं, ये बना दिया मैंने एक आयत ए बी सी और डी, ए सी एक विकर्ण है, ये मैंने इसका विकर्ण बना दिया ए सी, ये 90 डिग्री बनता है, आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं, तो बीच में से लाइन खींच दी तो इधर बन गया 45 और इधर भी बन गया 45। देखो टेन स्क्वायर, सबसे पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूं टेन स्क्वायर सी ए डी सी ए डी, देखिए ढंग से सी ए डी मतलब सी ए डी, इधर जाने पे एंगल कितना बन रहा है 45, तो मैं यहां लिखूंगा 45 प्लस 1, साथ में है साइन स्क्वायर बी ए सी बी ए सी, देखिए बी ए सी मतलब बी से ए होते हुए सी पे जाना तो एंगल फिर बन रहा है 45, तो देखिए यहां पे भी है 45, इसकी वैल्यू चाहिए टेन स्क्वायर, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहां हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1, साइन 45 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2, इस पर भी स्क्वायर तो मैं यहां लिख देता हूं स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस 1 और 1 डिवाइड बाय रूट 2 का स्क्वायर है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो यहां पे हो गया 2 इंटू 1 बाय 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास वैल्यू आ गई 1। है ना आसान सा, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पढ़ाई को जेहन में उतार लीजिए, उसके लिए मेहनत करना चालू कर दीजिए, टारगेट फिक्स कर दीजिए, मैं कह रहा हूं आपके मम्मी पापा और आपके सपने को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आगे देखिए 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 7/3 हो तो 10 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे देखना, कितना कॉन्सेप्चुअल सवाल है, रेलवे में आया और फटाफट होने वाला सवाल है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती क्योंकि इसमें हर ट्रिक आजमा चुके हैं लोग, बहुत सारे लोग इसमें ट्रिक लगाना चाहते हैं लेकिन लगती नहीं है और सबको ये बताया जाता है कि ट्रिक है। मैं बताता हूं, देखो कोई ट्रिक नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है, 2 sin थीटा प्लस cos थीटा = 7/3 है,
तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक स्क्वायर थीटा क्या होगा? देखो ये कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं, इधर बात करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन, ठीक है। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया प्लस टेन स्क्वायर थीटा। माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इधर आ गया माइनस वन। आप आगे पीछे लिख दीजिए इसको, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है माइनस वन। हमें इसी की वैल्यू चाहिए थी तो वैल्यू आ गई है माइनस वन। देखो कोई ट्रिक लगी नहीं लगी, बस लोग यहाँ से ट्रिक ट्रिक करना चालू कर देते हैं और हम सोचते हैं मैथ ट्रिकी है। मैथ ट्रिकी नहीं है, मैथ कॉन्सेप्चुअल है, अब बस आपको आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेन वन डिग्री, टेन टू डिग्री, टेन थ्री डिग्री, टेन एटी सेवन डिग्री, टेन एटी एट डिग्री, टेन एटी नाइन डिग्री, मतलब वन से लेकर एटी नाइन तक जा रहा है, इसकी वैल्यूज कितनी होती है देखिए। तो स्टूडेंट्स निकालने का सबसे सीधा सा तरीका देखो, सबसे पहले मैं इसे चलता हूं टेन टू डिग्री, टेन थ्री डिग्री, ऐसे ऐसे जाते लगभग लगभग 90 टर्म्स, 89 टर्म्स हो गई है। इनके बीच में कहीं ना कहीं टेन 45 भी आएगा, फिर आगे चलते चलते वापस ये आ जाएंगे टेन 87 डिग्री, टेन 88 डिग्री एंड टेन 89 डिग्री, ठीक है। अभी देखिए टेन को कोट में बदलना है तो कैसे लिखते हैं, कोट 90 में से जो दिया हुआ है उसको आप माइनस करके लिख दीजिए, 90 में से 1 गया तो 89 डिग्री। इधर भी देखिए कोट 2 डिग्री है, 90 में से 2 माइनस करो 88 डिग्री, इसको भी बना सकते हो आप। कोट 3 को माइनस कर दो 90 में से तो 87, यहाँ आ गया 10 45 डिग्री, फिर आगे जाते हैं तो 10 87 डिग्री, फिर देखिए आगे 10 88 है, 10 89 है, तो ये भी लिख देता हूँ मैं 10 88 डिग्री, 10 89 डिग्री। मिडिल टर्म्स ले लिए मैंने, जिसका जो है कोट में नहीं बदल सकता है, बदलूंगा तो भी कोई फायदा नहीं है। अगर देखिए कोट 89 को लिख सकते हैं 1 बाय 10 89 इंटू 1 बाय 10 88 इंटू 1 बाय 10 87 10 45 भी लिखे 10 45 फिर आ जाएगा 10 87 मल्टीप्लाई 10 88 मल्टीप्लाई 10 89 ये सब मैं लिख चुका हूं। अब देखिए ये सब कैंसिल हो रहे हैं, देखिए तो इसका मतलब इधर की टर्म्स और इधर की टर्म्स कैंसिल होती जाएगी, बस 45 नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि 45 को मैं कोर्ट में बदल भी दूं तो 45 के साथ में इधर का 45 होना चाहिए तो नहीं है, तो 1045 ओनली बच जाएगा, 1045 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आ पाएगा 1, ठीक है। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा है, तो देखिए मुझे sin थीटा की वैल्यू चाहिए ओनली, तो एक काम करता हूं मैं sin थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं सबसे पहले इसको नीचे ले आता हूं, इसको इधर ले आता हूं, तो ये हो गया 2 / 3, इधर आ गया sin थीटा, नीचे आ गया cos स्क्वायर थीटा। देखिए इसके मैं इस तरीके से लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, cos स्क्वायर को लिखना चाहता हूं cos थीटा * 1 / cos थीटा, पहले जैसे बने गए। अब देखिए 2 बाय 3 साइन थीटा पर कोस थीटा होता है टेन थीटा, 1 बाय कोस थीटा होता है सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए इस 2 को यदि मैं टेन और सेक की टर्म्स में निकालना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 बाय रूट 3 इंटू 1 बाय रूट 3, क्योंकि 1 बाय रूट 3 और 2 बाय रूट 3 दोनों इसमें आता है, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा इंटू टेन थीटा वैल्यू सकती है। अब देखिए ये 2 बाय रूट 3 है जो वो sec 30 की वैल्यू है, और ये 1 बाय रूट 3 जो वैल्यू है वो tan 30 की वैल्यू है, तो मेरे पास इसका मतलब हुआ ही एंगल कितना है 30 डिग्री, तो मैं यहां चलता हूं, इसका मतलब sin थीटा मतलब sin 30 है, और sin 30 की वैल्यू 1 बाय 2 होती है, तो ये हमारा आंसर आ गया, है ना। देखो बस कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 180 मीटर ऊंची टावर के शीर्ष से, एक 180 मीटर ऊंचा एक टावर है ये लीजिए 180 मीटर से, दो वस्तुओं के अवनमन कोण किसी भी साइड में 30 और 45 है, तो मैं इसे ले लेता हूं, इस साइड जो वस्तु है अवनमन ऊपर बनता है इस तरह, तो ये कोण यहां बनेगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, एकांत कोण बनते हैं तो हमेशा कोण इधर ही बनाना है, तो इधर 30 डिग्री है, और इसी तरीके से
इस साइड कोण एक और बनेगा जिसका मान है 45, तो यही कोण हमें इधर भी बनाना है क्योंकि एकांतर कोण है, देर से जो होते हैं वो एकांतर कोण होते हैं, तो ये बनता है 45, अल्टरनेट एंगल होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात करो, ये और ये ज्ञात करनी है। देखिए कितना आसान सा सवाल है, यहाँ पे 60 दिया है, यहाँ 90 है, ये 45 है, तो ये भी कितना है 45, यहाँ 90 है। अब देखो 30 के सामने की बुद्धि 180 हमारा अनुपात होता है, 30:60:90, यदि इसका मान 1 हो तो ये अंडर रूट 3 गुना होगा और ये 2 गुना होगा, मतलब ये यदि x है तो ये होगा x अंडर रूट 3 और ये होगा 2x। ये मैं पहले कॉन्सेप्चुअल क्लास में बता चुका हूं। अब देखिए 30 के सामने की बुद्धि 180 है, मतलब ये 180 है, तो देखिए ये कितनी होगी अंडर रूट 3 गुना, मतलब 180 अंडर रूट 3, तो ये आ गया 180 अंडर रूट 3, है ना। देखो फटाफट करने वाला सवाल, अब देखो 45 यदि मुझे दिया होता है तो 45 के साथ संगत बुधा वाला जो अनुपात होता है वो होता है 1:1:2, मतलब ये x है तो ये भी x होगा और ये हो जाएगा x रूट 2। ये मैं कॉन्सेप्चुअल क्लास में बता चुका हूँ। अब देखिए 45 के सामने 180 है, मतलब ये 180, तो ये भी कितना हो जाएगा 180। अब देखो इस 45 के सामने भी तो ये बुझा है, तो ये भी 180 होने वाली है, तो ये टोटल लंबाई ये हो गई है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी ये हो गई है, तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी हुई 180√3+180। आप 180 कॉमन लीजिए तो आपके पास बचेगा √3+1, बस हो गया फटाफट सॉल्व। इस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं, बस हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए लास्ट सवाल देखते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3, cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहां मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस बी। जिन लोगों को फॉर्मूला नहीं याद है वो याद कर ले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैंने देखो क्या लिखा है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहां लिख दिया इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब देखो ये 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, अब बच गया ये, इसकी वैल्यू देखो क्या दी हुई है 1/3, तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1/3, यही हमारा टोटल आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का प्रैक्टिस सेट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि जो हमारा टारगेट है वो पूरा हो सके। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, जुड़िए रहिएगा, साथ ही साथ जो है प्रैक्टिस सेट देखते रहिएगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।